अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त और सब भाई सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक और सिंपल सा न्यू डिज़ाइन लेकर आए जिसके ऊपर हमने रेशमी धागा सेम वो ब्लैक कपड़े से जिसके ऊपर हमने बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाएंगे। दोस्तों ये दो चीज़ें हमने इसके ऊपर इस्तेमाल करनी है, उसके बाद हमने इसके ऊपर कोका लगाएंगे। और आप सब भाइयों इस वीडियो में हम आपको बेहतरीन एक सिंपल सा न्यू डिज़ाइन बनाने का तरीका बताएंगे जो हमने फ्रंट पट्टी के ऊपर और फ्रंट पॉकेट के ऊपर बनाएंगे। बैंड बिल्कुल हम सादा रखेंगे। दोस्तों अब चलते हैं सबसे पहले वीडियो की तरह। दोस्तों अब लेते हैं हम फ्रंट पट्टी का पीस, उसको आपने प्रेस कर ले कपड़े के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आपने इस तरीके से 2 इंच का ठोके का निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हमने जो ब्लैक टुकड़ी लगाएंगे वो हमने यहाँ पर इस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके दोस्तों यहाँ पर हम ब्लैक टुकड़ी लगाएंगे जी दोस्तों इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हमने एक साइड पर हमने जो टुकड़ी जिस तरफ हमने टुकड़ी लगाई ब्लैक, उस साइड पर हमने 2 सूत्र का हम तकरीबन लकीर लगाएंगे। वहाँ पर हम रेशमी धागा लगाएंगे, तकरीबन टुकड़ी जहाँ तक आएगी उसके दरमियान तक हम रेशमी सिलाई लगाएंगे जी। इस तरीके दोस्तों हम लकीर लगा लेते हैं, हम जहाँ पर देखें हम इस तरीके से लकीर लगा लेते हैं जहाँ पर हम लगाएंगे रेशमी धागे से सिलाई। दोस्तों आप इस तरीके से एक साइड पर जहाँ जिस तरफ हम ब्लैक टुकड़ी लगाएंगे उस तरफ हम लगा लेंगे ब्लैक टुकड़ी, उसके ऊपर हमने लगाएंगे कोका लगाएंगे। इस तरीके दोस्तों हम लेते हैं फ्रंट पॉकेट का पीस, उसके ऊपर भी हमने टुकड़ी लगाएंगे जहाँ पर हम ब्लैक टुकड़ी लगा लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर एक साइड पर रेशमी धागे से सिलाई लगाएंगे जी। इस तरह दोस्तों हमने इसकी लकीर लिया। अब दोस्तों लेते हैं रेशमी धागा, इसको फिर के अंदर डबल बार लेते हैं। अब जो देखें दोस्तों हमने धागा फिर के अंदर डबल बार लिया, अब हम सिलाई लगाते हैं। हम चलते हैं मशीन के ऊपर, तो आप दोस्तों को सिलाई लगाने का तरीका इसके ऊपर बता देते हैं। दोस्तों नीचे हमने डब्बे के अंदर डबल धागा डाल लिया, ऊपर हमने लगा लिया ब्लैक धागा। दोस्तों हमने जहाँ से निशान लगाया वहाँ से हम सिलाई शुरू कर लेते हैं। इस तरीके दोस्तों आपने उल्टी साइड पट्टी कर लेनी, उसको आपने इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। दोस्तों ये देखें हमारी बेहतरीन तरीके से सिलाई लग रही है जी। इस तरीके दोस्तों आप सिलाई लगा लीजिएगा। अब ये देखिए दोस्तों हमने जो सिलाई लगा ली है, ये देखें हम इस तरीके से इसको मुकम्मल कर लेते हैं। आप इस तरीके से इसको एक पैर के वक्फे से लगा लीजिएगा और दूसरी आप फ्रंट पॉकेट के ऊपर लगाते हैं। अब दोस्तों इसको हम मुकम्मल करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लगाएंगे ब्लैक टुकड़ी, उसके बाद हम लगाएंगे कोका इसके ऊपर जी। इस तरीके दोस्तों अब हमने यहाँ पर सिलाई इसको मुकम्मल कर लेते हैं, जहाँ से हम सिलाई बाहर निकाल लेते हैं। अब जैसे कि दोस्तों हमने दोनों पीसों पर सिलाई लगा ली, इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिएगा। हमने सिंपल सी सिलाई लगा ली, उसके बाद दोस्तों हम लेते हैं ब्लैक कपड़े। दोस्तों इस तरीके से हम बुकरम का पीस लेते हैं, उसकी चौड़ाई हम कम कर लेते हैं तकरीबन, आपकी इस तरीके से ले लें बुकरम का पीस। दोस्तों अब जो पीस हमने ले लिया इसके दोस्तों हम छोटे छोटे पीस करेंगे, जितने हमने जो पट्टी लगानी है उतना। देखिए इस तरीके से हिसाब से हमने तकरीबन लगाएंगे 1.25 इंच का, तो उसे लंबाई लगाएंगे हम तकरीबन 1.25 इंच। हम जहाँ पर निशान लगा के इसके तकरीबन डबल डबल पीस करेंगे। दोस्तों हम इस तरीके दोस्तों इसके पीस कर लेते हैं जी। दोस्तों इस तरीके से हमारी ब्लैक टुकड़ी लग जाएगी, हम लगाते हैं इसको। अब हम ये पीस कटिंग कर लेते हैं जी। दोस्तों ये देखिए हमने अब ये कटिंग 2 कर ली है। अब इस तरीके दोस्तों हम इसको ब्लैक कपड़ा लेते हैं, उसके ऊपर हम इसको प्रेस कर लेते हैं जी। दोस्तों अब ब्लैक कपड़े के ऊपर हम इसको प्रेस करेंगे। अब इसको आप अच्छे तरीके से प्रेस कर लीजिएगा जी। दोस्तों अब इस तरीके से हम इसको प्रेस कर लेंगे जी। दोस्तों जो देखिए हमने इसको अब प्रेस कर लिया। अब इस तरीके से इसको आप दोनों पीसों को प्रेस कर ले। उसके बाद दोस्तों आपने इसको फोल्ड कर लेना है, तकरीबन आपने 2-3 साइडों से फोल्ड करना है। अब ये देखिए दोस्तों आपने हमने इसको तकरीबन एक साइड से फोल्ड नहीं करना और 3 साइडों से हमने इसको फोल्ड कर लेना है जी। दोस्तों आपने इस तरीके से जी हमारी जो जिस तरीके से हमारी पट्टी लंबाई की होगी बुकरम की, उस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना। दोस्तों दोनों साइडों से फोल्ड कर लो, आपने फ्रंट की तरफ से भी फोल्ड कर लें इसको, आगे तरफ से इसको आप फोल्ड कर लें, और एक साइड से आप फोल्ड ना करें नीचे की तरफ से। और वो पीस हमने पट्टी के अंदर सिलाई करेंगे जब उसके अंदर दे देंगे इसको। दोस्तों जो देखिए अब हमने इस तरीके से आप कपड़े को फोल्ड कर लेते हैं फ्रंट साइड से, इस तरीके से आप इसको हम तैयार करेंगे। दोस्तों जी देखिए हमने अब इसको तैयार कर लिया, अब इसको भी तैयार कर लिया। दोस्तों जी देखिए हम दोनों पीस हमने तैयार कर लिए हैं। अब दोस्तों हमने क्या करना है, आप लेते हैं दोस्तों एक बुकरम का पीस लेते हैं हम फिर जी। दोस्तों आपने इस तरीके बुकरम का एक पीस ले लें, उसको आपने दोनों साइडों से कटिंग कर लें सूत्र सूत्र, फिर आपने इसको उल्टी साइड की तरफ आपने इस तरीके से इसको रख कर आपने इसको प्रेस कर देना है उसके ऊपर, जिसकी वजह से दोस्तों ये कपड़ा नीचे से बाहर नहीं निकलेगा, जिसके साथ इसकी पकड़िंग हो जाएगी जी। इस तरीके दोस्तों हमने यहाँ पर इसको प्रेस कर देंगे दोस्तों जी, इसके साथ इसके साथ अटैच हो जाएगा दोस्तों।
अब दोनों साइडों से दोस्तों कपड़े की मजबूती हो चुकी है, इस तरीके से आप इसको प्रेस कर दें दोस्तों। ये देखिए हमने हमारे दोनों साइडों से कपड़ा कवर हो चुका है, इस तरीके से आप इसको मुकम्मल कर लें जी दोस्तों। आप इस तरीके से इसको मुकम्मल कर लें दोस्तों। ये देखिए हमने इसको अब दूसरे पीस पर भी आप इस तरीके से लगा लें, इसको मुकम्मल कर लें जी। आपने इसको तकरीबन आपका आधी सूते सूते दोनों साइडों से आपका जो छोटा कर लेना, आपने जो बुकरम वाला ऊपर वाला पीस जो हम लगा रहे हैं जी, इस तरह दोस्तों आपने इसको इसके साथ से कटिंग कर लें। अभी दोस्तों इसको हम प्रेस कर लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों आपने जब ये सिलाई फ्रंट पट्टी लेते हैं उसको दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर रखकर इस तरीके से इसको प्रेस कर इसको सिलाई के अंदर लगा देंगे। बाद में इसके ऊपर हम रख कर कोका लगा देंगे दोस्तों। हम फ्रंट पट्टी को फोल्ड करके इसको प्रेस करके इसको मुकम्मल कर लेते हैं दोनों पीसों को दोस्तों। जी देखिए हमने इसको मुकम्मल कर लिया। अब दोस्तों हम लगाएंगे इसके ऊपर ब्लैक टुकड़ियाँ। अब दोस्तों हम फ्रंट पट्टी लगाते हैं। अब दोस्तों जी देखिए हमने फ्रंट पट्टी अब लगा रहे हैं, इस तरीके से आप फ्रंट पट्टी को लगा लीजिएगा जी दोस्तों। आपने इस तरीके से फ्रंट पट्टी को लगा लेना है आपने उसको अच्छे तरीके से। अब दोस्तों इसे जब लगाएंगे उसके बाद हम इसको दोस्तों जहाँ तक हमारी सिलाई ख़त्म हो जाती है वहाँ पर हम रखेंगे ब्लैक टुकड़ी रख कर इसको सिलाई के साथ इसको अटैच करेंगे जी। आपने जब जहाँ पर दोस्तों हम सिलाई रोक लेते हैं उसके बाद लेते हैं दोस्तों ब्लैक टुकड़ी लेते हैं जी दोस्तों। अब ब्लैक टुकड़ी हम किस तरीके से लगाएंगे, अब आपने जो हमने दबा नीचे कपड़ा फोल्ड किया उसको हम इस तरीके से इसको नीचे रखकर फ्रंट पट्टी के अंदर दे देंगे कपड़े को सिर्फ इस तरीके दोस्तों। हम ये लगा देंगे दोस्तों। अब हम टुकड़ी को पीछे कर लेते हैं इस तरीके से दबा अंदर दे देते हैं जी। इस तरीके दोस्तों अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देते हैं दोस्तों। कपड़ा आप इस तरीके से पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लें, उसके बाद दोस्तों हम इसको मुकम्मल करेंगे। अब जी देखिए दोस्तों हम इस तरीके से फिर इसके बाद फोल्ड करके इसके ऊपर कोका लगा देंगे जी दोस्तों। जी देखिए अब हमने इस तरीके से इसको सिलाई लगा के मुकम्मल करते हैं जी दोस्तों। इस तरीके से अब हमने जी दोस्तों आपने इसको अब इस तरीके से मुकम्मल कर लेना। जैसे हम इसको मुकम्मल कर ठोका हमने लगा लिया 2 इंच का, तो आपने इस तरीके से मुकम्मल कर लिया। उसके बाद दोस्तों हम आपको बता देते हैं इससे दोस्तों इसको फोल्ड करके इसके ऊपर हम कोका लगा देंगे। अब दोस्तों हम फ्रंट पट्टी का पीस लेते हैं उसको दोस्तों इस तरीके से हम जब कपड़ा इसके से नीचे अटैच करेंगे तो हम ब्लैक टुकड़ी भी इसके ऊपर भी लगा देंगे। इस तरीके दोस्तों आप कपड़ा अटैच कर लीजिएगा, उसके बाद हम लेते हैं ब्लैक टुकड़ी का पीस उसको भी इसके अंदर दे देते हैं इस तरीके से दोस्तों। अब इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको मुकम्मल करते हैं जी दोस्तों। जैसे देखें अब हमने इस तरीके से इसको जैसे सिलाई लगा के इसके साथ अटैच कर लिए दोस्तों, इसको हम मुकम्मल करेंगे इस तरीके से। जैसे देखें हमारी जब मुकम्मल हो जाएगी, अब जैसे देखें दोस्तों अब नीचे से कपड़े को कटिंग कर लिया, अब हम नीचे से सिलाई लगा लेते हैं जी दोस्तों। इस तरीके से आपने इसको सिलाई लगा लें जी दोस्तों। जी देखिए हमारी फ्रंट पॉकेट भी तैयार हो चुकी है, फ्रंट जेब का पीस भी तैयार हो चुका है, इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा जी। अब दोस्तों इसको हम कोका लगाते हैं जी। इस तरह दोस्तों आप जब अटैच कर इसके साथ अटैच कर लेंगे दोस्तों, आप हम कोका लगाते हैं कोका लेते हैं जी। इसको ऊपर रखकर इसको हम जी आप इसको दोस्तों इसको इस तरीके से कोके लगा के उसको ऊपर से हम इसको दबा देंगे। ये दोस्तों इसके साथ अटैच हो चुका, नीचे से भी हम इस तरीके से इसको फ्रंट पट्टी के ऊपर भी इस तरीके से हम लगा लेंगे जी दोस्तों। अब फ्रंट पट्टी के ऊपर भी लगा लेंगे दोस्तों। ये देखिए हमने इसके ऊपर भी लगा लिया है। अब ये देखिए दोस्तों हमारा जो कोका अटैच हो चुका है, इस तरीके से दोस्तों आप इसको अटैच कर लीजिएगा। अब फ्रंट पट्टी दोस्तों जो फ्रंट जेब का पीस भी हमने तैयार कर लिया, अब दोस्तों इसके ऊपर आपने इसको रखकर इसको प्रेस कर लीजिएगा जी दोस्तों। नीचे से आपने इस कपड़े जो नोक के उसको फोल्ड कर दें।
दोस्तों जी देखे हमारे फ्रेंड पॉकेट को हम लगा लेंगे, इसको मुकम्मल करते हैं। दोस्तों जी देखे हमारा सूट सिलाई हो चुका, मुकम्मल हो चुका है। देखिए दोस्तों हमारा बेहतरीन तरीका, बेहतरीन डिज़ाइन तैयार हो चुका है, इसी के साथ इसको तैयार कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों दोस्तों को हमारा डिज़ाइन तरीका पसंद आया होगा। मजीद डिज़ाइन देखने सीखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, हमारे इसलिए हमारे चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, इसलिए हमारी मजीद वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच रहेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ।